कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ रही महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक जज्बाती स्वरूप दिखाया है। विनेश फोगाट ने आज अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर एक कविता के जरिए जहां खुद को द्रौपदी जैसे हालात में घिरे हुए बताया है, वहीं देश के पीएम मोदी को अंधा, बहरा और गूंगा करार दिया है। इस कविता के जरिए विनेश फोगाट ने अपने आंदोलन और खुद के हालात के बारे में एक जायजा, एक नज़रिया पेश किया है। आपको इस कविता को जरूर सुनना चाहिए। इस कविता में विनेश फोगाट ने कहा है कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। समय जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा और बहरा भी है। होठ सील दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अर्शु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। इस कविता के जरिए आपको विनेश फोगाट के हालात और जज्बात का बिल्कुल करीब से एहसास होगा। आपको एहसास होगा कि पहलवानों की इस लड़ाई में विनेश फोगाट आज खुद को कहां पर पा रही हैं। देश की सबसे मजबूत खेल लोबी के साथ पंगा लेकर संघर्ष कर रही विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों के लिए हालात वैसे ही हैं जैसे विनेश फोगाट ने बयान किए हैं। 3 महीने से लगातार विनेश और दूसरी पहलवान सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें ना तो सरकार से इंसाफ मिला है और ना ही उनका आंदोलन उस हालात पर, उस मुकाम पर पहुंच पाया है जिससे उन्हें न्याय की उम्मीद नजर आ रही हो। बेशक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, लेकिन हालात अभी भी आसान नहीं है और महिला पहलवानों को उम्मीद नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। यही कारण है कि मायूसी के हालात में विनेश फोगाट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ये कविता के जरिए अपना दर्द बयान करना पड़ा। विनेश फोगाट की एक कविता बता रही है कि उन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें अपना संघर्ष अपने बलबूते पर लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। विनेश फोगाट के अल्फाज बता रहे हैं कि वे आज अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। उन्हें न तो कोई परमात्मा नज़र आ रहा है और न ही कोई मजबूत सहारा नज़र आ रहा है और वो विकट हालात में खुद को घिरे हुए पा रही हैं। अब विनेश फोगाट सिर्फ अपने बलबूते पर अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान कर रही हैं। विनेश फोगाट के ये अल्फाज बता रहे हैं कि वे आज बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं और उनके लिए रास्ता आसान नहीं है, उनके सामने कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। यानी आज देश की महिला पहलवान ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इंसाफ की जंग में खुद को बेहद विकट हालात में महसूस कर रही हैं। विनेश फोगाट अब अपने दर्द को बयान करके ये बता रही हैं कि उनके लिए हालात आसान नहीं हैं, उनका रास्ता कंकड़ों और पत्थरों से भरा हुआ है और उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ये सच्चाई भी है कि देश की खेल लोबी के साथ पंगा लेकर इंसाफ हासिल करने की उम्मीद करना बेहद बेमानी है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं देती जो कहीं ना कहीं वोट बैंक से जुड़ी हुई होती हैं। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से यह साबित हो गया है कि एक मजबूत लोबी उनके साथ में खड़ी है, जबकि पहलवानों के साथ सामाजिक संगठन और खाप पंचायतें ही खड़ी हैं। लेकिन सिस्टम के आगे लगातार संघर्ष कर रही देश की बेटियों के लिए हालात अभी भी अनुकूल नहीं हैं और विनेश फोगाट की यह कविता बता रही है कि वे संघर्ष के दौर में खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रही हैं और वो अभी भी घुटने नहीं टेक रही हैं और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और आखिरी दम तक जीत हासिल करने की प्रयास करेंगी। विनेश फोगाट और दूसरे पहलवानों के आंदोलन को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।